देश के उन सभी समझदार और ईमानदार मतदाताओं को धन्यवाद जिन्होंने लोकतंत्र को एक तंत्र बनाने से रोका। चुनाव के समय पर अध्यक्ष जी ऐसा कहा गया कि 400 पार मैं समझदार जनता को फिर एक बार धन्यवाद दूंगा। और मैं कुछ कहना चाहता हूं कि आवाम ने तोड़ दिया हुकूमत का गुरूर, दरबार तो लगा है पड़ा गमगीन बेनूर है पर। अध्यक्ष महोदय, दरबार तो लगा है पर बड़ा गमगीन बेनूर है। और पहली बार ऐसा लग रहा है हारी हुई सरकार विराजमान है। जनता कह रही है चलने वाली नहीं सरकार। अध्यक्ष महोदय, जनता कह रही है चलने वाली नहीं, ये गिरने वाली सरकार है। और क्योंकि ऊपर से जुड़ा कोई तार नहीं, नीचे कोई आधार नहीं, अधर में जो है अटकी हुई वो तो कोई सरकार नहीं। दरअसल पूरा इंडिया समझ गया है कि इंडिया ही प्रो इंडिया है। इस चुनाव में इंडिया अलायंस की नैतिक जीत हुई है। ये पीडीए इंडिया की सकारात्मक राजनीति पॉलिटिक्स जो पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉलिटिक्स की जीत हुई है। ये इंडिया पीडीए की सोशल जस्टिस मुहिम की विक्ट्री है। 2024 का परिणाम हम इंडिया वालों के लिए जिम्मेदारी से भरा पैगाम भी है। और अगर हम यूं कहें अध्यक्ष महोदय कि 15 अगस्त 1947 अगर उपनिवेशिक राजनीति से आजादी का दिन था तो 4 जून 2024 देश के लिए सांप्रदायिक राजनीति से आजादी का दिन रहा। ये सांप्रदायिक राजनीति के अंत और सामुदायिक राजनीति की शुरुआत है। जहां सांप्रदायिक राजनीति का अंत हुआ है वहीं सामुदायिक राजनीति की शुरुआत हुई है। सबसे अच्छी बात हुई ये है कि इस चुनाव में सांप्रदायिक राजनीति की हमेशा के लिए हार हो गई है। अध्यक्ष महोदय, कहने को सरकार ये कहती है कि ये 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है और जीडीपी के मामले में 5th वर्ल्ड की इकोनॉमी बन गई है। लेकिन अध्यक्ष मोदी, ये सरकार क्यों छिपाती है कि अगर ये हमारी सबसे लार्जेस्ट इकोनॉमी, अगर हम 5वें नंबर पर हैं तो हमारे देश की पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय हमारे किस स्थान पर पहुंची है। और हम लोगों ने तो अध्यक्ष महोदय देखा है कि अगर दिल्ली की सरकार ने कहा होगा कि $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगी तो जहां से प्रधानमंत्री जी चुन करके आते हैं वहां का प्रदेश के सरकार भी कह रहे कि हम $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बना लेंगे। देश की इकोनॉमी कहां पहुंच गई, पर कैपिटा इनकम क्या है। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को अगर $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना है तो कम से कम 35% की ग्रोथ चाहिए। मुझे नहीं लगता है कि 35% की ग्रोथ उत्तर प्रदेश पा पाएगा। हम हंगर इंडेक्स में कहाँ खड़े हैं, नीचे से कहाँ हैं। जो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी की बात कर रहे हैं वो इनइक्वालिटी के पैरामीटर पे कहाँ खड़े हैं, वो हैप्पीनेस इंडेक्स में कहाँ खड़े हैं। और जो लोग चुनाव को अपने तरीके से मोड़ते हैं मैं उन्हें कहना चाहता हूँ कि अध्यक्ष महोदय, इस चुनाव के परिणाम ने तोड़ने वाली राजनीति को तोड़ दिया है और जोड़ने वाली राजनीति की जीत हुई है।
इस चुनाव में धन धन छल बल की नकारात्मक राजनीति की शिकस्त हुई है। ये चुनाव जो देश का हुआ, ये सकारात्मक राजनीति का नया दौर शुरू हुआ है। इस बार प्रो कॉन्स्टिट्यूशन वालों की जीत हुई है। हम मानते हैं संविधान ही संजीवनी है, उसी की जीत हुई है। ये संविधान मंथन में संविधान रक्षकों की जीत हुई है। अब ऊपर से नीचे के राजनीति का अंत हो गया है। अब नीचे से जो समाज की जो आवाज उठेगी वही राजनीति का आधार बनेगी। मैं कहना चाहता हूं कि देश किसी की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा से नहीं, जन आकांक्षा से चलेगा। मतलब अब मनमर्जी नहीं, जनमर्जी चलेगी। इस चुनाव का बड़ा पैगाम यही है। अध्यक्ष महोदय, बहुत सी बातें हुई हैं। अगर उत्तर प्रदेश की बात ना हो, क्योंकि अध्यक्ष महोदय सबसे बड़ा प्रदेश जहाँ है, उसने हर बार दूसरे दल को समर्थन देकर के सरकार बनाई। मैं उन्हीं लोगों से कहना चाहता हूँ कि लोग क्यूटो की फोटो लेकर बनारस की गलियों से लेकर के गंगा जी तक ढूंढ रहे हैं। उनको लगता है जिस दिन माँ गंगा साफ हो जाएंगी, शायद उस दिन कहीं क्यूटो उसकी गोद में कहीं मिल जाएगा। बनारसी लोग चाहते हैं कि कोई गंगा जी के भी तल में उतरकर उसका दर्द भी जाने। उत्तर प्रदेश की जनता का बस यही आग्रह है कि जिस गंगा जल को हाथ में लेकर सच कहने की कसम खाई जाती है, कम से कम उस गंगा जल से तो झूठ ना बोला जाए। जहां विकास के नाम पर खरबों रुपए की लूट का राज खोलते भ्रष्टाचार के गड्ढे प्रदेश का नाम खराब कर रहे हैं, वहीं पहली बारिश में ही टपकती हुई छत और गिर चुकी स्टेशन की दीवार बेईमानी की निशानी बन गई है। अध्यक्ष महोदय, विकास का ढिंढोरा पीटने वाले इस विनाश की जिम्मेदारी कब लेंगे? और रही सच्चे विकास की बात, तो हमने जो सड़क बनाई उस पर हवाई जहाज उतरे थे और उत्तर प्रदेश की मुख्य नगरी में सड़कों पर नाव उतरी हैं, और अभी बारिश और हो जाएगी तो नाव से भी चलना पड़ेगा। यही स्मार्ट सिटी के जुमले का भी हाल है। न तो जाम से छुटकारा मिला, न बुनियादी सुविधाओं से कोई निजात मिली, न कोई बुनियादी सुविधाएं मिल पाई हैं। मुझे याद है अध्यक्ष महोदय, देश के प्रधान सांसद जी ने अनाथ पशुओं के बारे में बहुत कुछ कहा था। अनाथ पशुओं की समस्या से छुटकारा दिलवाने के लिए कब वादा किया हुआ, लेकिन कई चुनाव बीत गए हैं, अभी तक गन्ने का भुगतान दो हफ्ते का वचन जो दिया था कहाँ दिया था? अब तो वचन देने वाले को भी याद नहीं है। हर बात को जुमला बना देने वाले लोगों के ऊपर से जनता का भरोसा उठ गया है। इसीलिए बहुमत की सरकार नहीं है, ये सहयोग से चलने वाली सरकार है। डबल इंजन के नाम पर उत्तर प्रदेश को टकराहट के सिवा कुछ हासिल नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश में प्रभुत्व की लड़ाई दो लोगों को आपस में लड़ा रही है, लेकिन उसकी मार जनता को सता रही है। पिछले 10 सालों की उपलब्धि बस इतनी रही कि एक शिक्षा परीक्षा माफिया का जन्म हुआ। अध्यक्ष महोदय, जिस समय चुनाव में थे और उत्तर प्रदेश में वो हालात देखे हैं कि नौजवान जब भी तैयारी कर करके जाता था और परीक्षा दे करके लौटता था तो उसको पता लगता था कि पेपर लीक हो गया। और उत्तर प्रदेश में केवल एक पेपर लीक नहीं हुआ है, जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं सब पेपर लीक हुए हैं। केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं, मैं माननीय सांसद की तरफ से सुन रहा था, कई ऐसे प्रदेश हैं जहां पर परीक्षाएं देने तो बच्चे गए लेकिन वहां भी पेपर लीक हो गया।
और अभी जब 4 जून को रिजल्ट आया, उसके बाद जो बात उठी है, देश की सबसे प्रेस्टिजियस परीक्षा, उसका भी पेपर लीक हो गया। और आखिरकार ये पेपर लीक हो क्यों रहा है? सच्चाई तो ये है कि ये सरकार पेपर लीक इसलिए करा रही है कि सरकार नौकरी नहीं देना चाहती, रोजगार नहीं देना चाहती, उन नौजवानों का भविष्य नहीं बनने देना चाहती। पिछले 10 सालों की उपलब्धि बस इतनी रही है कि एक शिक्षा परीक्षा माफिया का जन्म हुआ है, जिसने तथाकथित अमृतकाल में युवाओं के भविष्य की आशाओं को ही जहर दे दिया है। जो सरकार उम्मीद को मार दे, वह न तो वर्तमान को सुधार सकती है, न भविष्य को संवार सकती है। सरकार आशा का प्रतीक होनी चाहिए, निराशा का नहीं। जनता चाहती कि हर समस्या के लिए बीते कल की को जिम्मेदार ठहराने के बहाने को सरकार छोड़े और आने वाले कल की बात करे। अगले 1000 साल के झूठे सपने दिखाने वाले, अगले महीने होने वाली परीक्षाओं के लीक न होने की गारंटी कब लेंगे? जनता अब न तो किसी बहकावे में आएगी और न किसी के बहलावे फुसलावे में आएगी। जो लोग कहते हैं कि अमृतकाल की बात करने वाले, जनता का जागरण काल आ गया है। आज इस सदन में नए राजनीतिक जागरण के अनेक प्रतिनिधि बैठे हैं। अब जब बात होगी तो सच्ची बात होगी और जनता को पूरी सच्चाई के साथ हम लोग अपनी जिम्मेदारी के साथ बात रखेंगे। अध्यक्ष महोदय, एक जीत और हुई है, एक जीत और अध्यक्ष महोदय हुई है। मैं जानता हूं सत्ता पक्ष बैठे वाले लोग समझ गए होंगे, अयोध्या की जीत भारत के परिपक्व मतदाता की लोकतांत्रिक समझ की जीत है। और हम तो अध्यक्ष महोदय यही सुनते आए हैं, होए वही जो राम रची राखा, यह है उसका फैसला। अध्यक्ष महोदय, होई वही जो राम रची राखा, यह है उसका फैसला। जिसकी लाठी में नहीं होती आवाज, जो करते थे किसी को लाने का दावा, वो है खुद किसी के सहारे के लाचार। अध्यक्ष महोदय, मैं फिर कह देना चाहता हूं, होए वही जो राम रची राखा, यह है उसका फैसला। जिसकी लाठी में नहीं होती आवाज, जो करते थे किसी को लाने का दावा, वो है खुद किसी के सहारे के लाचार। हम अयोध्या से लाए हैं उनके प्रेम का पैगाम, हम अयोध्या से लाए हैं उनके प्रेम का पैगाम। जो सच्चे मन से करते हैं सबका कल्याण, सदियों में जन 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 गाता है जिनके गान, अभय दान देती जिनकी मंद मंद मुस्कान, मानवता के लिए उठता जिनका तीर कमान। अध्यक्ष महोदय, जो असत्य पर सत्य की जीत का है नाम, उफनती नदी पर जो बांधे मर्यादा के बांध, वो है अवध के राजा पुरुषोत्तम प्रभु राम। हम अयोध्या से लाए हैं उनके प्रेम का पैगाम। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, कुछ बातें हैं, अध्यक्ष महोदय, कुछ बातें समय और काल से परे होती हैं, इसलिए आज यहाँ उत्तर प्रदेश के सदन में पढ़ा गया एक शेर याद आ गया, जो तब सही था, अब और सही साबित हो रहा है।
इजाजत हो अध्यक्ष जी तो मैं अर्ज करूं। हजूरे आला आज तक खामोश बैठे इसी गम में, हजूरे आला आज तक खामोश बैठे हैं इसी गम में, महफिल लूट ले गया कोई जबकि सजाई हमने। योगी जी के लिए, योगी जी के लिए। अध्यक्ष महोदय, मैं मॉडल ऑफ कंडक्ट जब चुनाव हुआ, लागू हुआ, उस समय मैंने देखा कि कुछ लोगों पर मेहरबान रही सरकार और कमीशन भी। शेर कई मैं बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, लेकिन कहीं ना कहीं प्रश्न उस संस्था पे भी लगा है, और अगर उस संस्था पे प्रश्न लगा है तो लगाने वाली सरकार की वजह से लगा है। इसलिए अगर निष्पक्ष होगी वो संस्था तो न केवल हमारा लोकतंत्र स्वस्थ होगा बल्कि हमारे लोकतंत्र और मजबूत दुनिया में दिखाई देगा। अध्यक्ष महोदय, ईवीएम पे मुझे कल भी भरोसा नहीं था, आज भी नहीं भरोसा, मैं 80 के 80 सीट जीत जाऊं तब भी नहीं भरोसा, और मैंने अपने चुनाव में कहा था अध्यक्ष महोदय ईवीएम से जीत करके ईवीएम हटाने का काम करेंगे, ना ईवीएम का मुद्दा मरा है ना जाएगा खत्म, जब तक ईवीएम नहीं हटेगी हम समाजवादी लोग उस बात पर अड़ग रहेंगे। उत्तर प्रदेश अध्यक्ष महोदय वो प्रदेश है जिसने सरकार बीजेपी की बनवाई, एक बार नहीं दो बार बनवाई, और उसी उत्तर प्रदेश के साथ कितना बड़ा भेदभाव, उत्तर प्रदेश के साथ बड़ा भेदभाव। मुझे याद है वो दिन जब प्रधानमंत्री जी एयरफोर्स के सबसे भारी वाहन हवाई जहाज से उतरे थे सड़क पर, वो अलग बात है कि उस प्रदेश के मुख्यमंत्री उनके साथ नहीं बैठ पाए थे, लेकिन वो एक्सप्रेस वे जो बना था और आज भी जो उत्तर प्रदेश में बन रहे हैं वो उत्तर प्रदेश के बजट से बन रहे हैं, लेकिन दिल्ली की तरफ से कोई एक्सप्रेस वे अभी नहीं दिया गया है। न केवल इंफ्रास्ट्रक्चर में भेदभाव हुआ है बल्कि हमें याद है कि प्रधानमंत्री जी ने बड़े पैमाने पे गांव गोद लिए थे, और सोचिए अगर देश के प्रधान सांसद अगर किसी गांव को गोद ले लें और उस गांव की तस्वीर न बदले तो शायद मैं नहीं समझता हूं कि किसी गांव की तस्वीर 10 साल में बदली होगी। मुझे वो गांव जिसको उन्होंने गोद लिया, जो प्रधानमंत्री जी की आदर्श योजना थी उसके तहत जो गोद लिया गया था गांव, वो 5 वर्ष पहले खूब शोर हुआ था कि बनारस शहर की तरह डोमरी में चमचमाने लगेगा एक गांव, हकीकत में कुछ नहीं हुआ, उसकी दुर्दशा वैसी की वैसी है, जैसे था गांव वैसे ही का वैसा है, टूटी सड़कें, कच्ची पगडंडियां, उखड़े और टूटे हुए ईंट के खंजे, बदहाल हैंडपंप, पावर लूम और पंखे के जाली के कारखाने को आखिर कब तक रफ्तार मिलेगी जो उस गांव में काम होता था, लोग करते थे, खाली पड़े रसोई गैस के सिलेंडर, अंधाधुंध बिजली कटौती के बीच इस गांव के लोगों को हर सुबह मजदूरी की कभी ना खत्म होने वाली तलाश आखिर कब पूरी होगी। तो सोचिए एक गांव की तस्वीर ये है, जो गांव कभी गोद लिया गया था उस गांव की भी तस्वीर नहीं सुधर पाई है। जो भाजपा के स्मार्ट सिटी के झूठे सपने में गांव के लिए कोई जगह नहीं है, अपने गांव गोद लेने की जो बात कही थी क्या वो भी जुमला था अध्यक्ष जी? पता नहीं जिस गांव को गोद लिया था उसका नाम भी किसी को याद है कि नहीं। मैं नाम पूछ करके किसी को शर्मिंदा नहीं करूंगा, क्योंकि अगर नाम याद है
तो ये तो और भी बुरी बात है कि अपने नाम याद रखने के बावजूद भी कुछ नहीं किया। जिसे गोद लिया जाता है उसे अनाथ बनाकर छोड़ देना अच्छी बात नहीं है। और अगर तस्वीर अध्यक्ष महोदय बदली हो 10 साल में उन तमाम गोद लिए हुए गांवों की, तो मैं सत्ता पक्ष के लोगों से कहूंगा जरूर सदन में बात रखें, जरूर बताएं आप। जो बात कभी अध्यक्ष महोदय कास्ट सेंसस की उठी थी, हम उस कास्ट सेंसस के पक्ष में हैं कि बिना कास्ट सेंसस के सामाजिक न्याय संभव नहीं है, सबको हक दिला पाना मुश्किल है। अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में अग्निवीर को लेकर के जो चिंता विपक्ष की थी और देश के नौजवानों की थी, वो चिंता वैसी की वैसी बनी है। अध्यक्ष महोदय, मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं खुद मिलिट्री स्कूल से पढ़ा हूँ, मेरे साथ के बहुत बड़े पैमाने पे लोग फौज में, मैंने समय समय पे जो मेरे साथ पढ़े जो सीनियर थे उनसे भी जानकारी हासिल की है, बड़े बड़े ऑफिसर से मैंने पूछा है, वो शायद आपको न बता पाए, लेकिन दबी जुबान में उन्होंने कहा है कि देश की सुरक्षा के साथ अग्निवीर जैसी व्यवस्था लागू करने से समझौता हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, किसी भी देश की सबसे बड़ी प्राथमिकता अगर कोई है तो वो देश की सीमाओं की सुरक्षा है। अग्निवीर जैसी व्यवस्था से कभी संभव नहीं है। अध्यक्ष महोदय, हम अग्निवीर व्यवस्था को कभी स्वीकार नहीं कर सकते हैं, आज नहीं कल, कल नहीं बाद में, जब कभी भी सत्ता में इंडिया गठबंधन आएगा अग्निवीर व्यवस्था हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। अध्यक्ष महोदय, जिन्होंने कहा कि हम आय किसानों की दोगुनी कर देंगे, आज किसान पूरा देश का देख रहा है कि उसकी आय कहाँ दोगुनी हो गई, और जिस तरह महंगाई बढ़ी है, सरकार बताए कि महंगाई इस बढ़े पे उसकी आय कितनी होनी चाहिए, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बड़ी बड़ी बातें की गई थी कि MSP लागू करने के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होगा, लेकिन जहां तक मैंने उत्तर प्रदेश में देखा है, अगर इस सरकार में एक भी नई मंडी बनी हो तो मुझे सरकार बता दे। अध्यक्ष महोदय, जो इंफ्रास्ट्रक्चर एग्रीकल्चर सेक्टर में बनाने की बड़ी बात कही थी, अगर सरकार की तरफ से एक भी मंडी 10 साल में बनी हो तो जरूर सरकार बताए। जो सरकार मंडी नहीं बना सकती है उस पर MSP का भरोसा कैसे कर सकते हैं, जिन्होंने MSP का भरोसा दिलाया था। हम अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से यही कहेंगे कि जो राष्ट्रपति के भाषण में लीगल गारंटी MSP को मिलनी चाहिए थी वो क्रॉप्स को नहीं मिली है, न केवल फसलों को मिले बल्कि हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स को भी MSP देने का फैसला हो, जिससे कि हमारा किसान खुशहाल हो सके। साथ ही साथ OPS की बात अभिभाषण में नहीं आई है, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू हो जिससे हमारे तमाम सरकारी कर्मचारियों का भविष्य बन सके, और देश की एक बड़ी आबादी जहां से मैं चुन करके आता हूं उत्तर प्रदेश, जहां बुनकर न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि देश के कोने कोने में बुनकर समाज के लोग बड़े पैमाने पर रह रहे हैं, लेकिन बुनकरों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो भी इस सरकार में नहीं मिल पा रही हैं। जो प्रदेश सरकारों ने कभी बुनकरों के लिए योजनाएं चलाई थी वो भी अध्यक्ष महोदय बंद कर दी हैं। मैं अंत में इतना ही कहना चाहूँगा कि इस सरकार ने नौजवानों को नौकरी नहीं दी है, नौकरी और रोजगार उनसे छीने हैं, बहुत नौकरी छीनी है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं अध्यक्ष जी, इसलिए मैं कहूंगा कि आपके राज में न नौकरी की उम्मीद है न रोजगार, क्योंकि आपने छोटे कारोबारी तक को इतना छोटा बना दिया है कि न तो वो अपना पेट भर सकता है न किसी को नौकरी पर रख सकता है। जो कुछ पद निकलते भी हैं तो उन पर लेटरल एंट्री के नाम से पिछले दरवाजे से कुछ खास संगी साथियों को रख लिया जाता है। आरक्षण का हक
नॉट फाउंड सुटेबल के नाम पर हड़पा जा रहा है। और अध्यक्ष महोदय, आरक्षण के साथ इतनी खिलवाड़ किसी सरकार ने नहीं की होगी जितनी खिलवाड़ इस सरकार ने की है। जहां सरकारी नौकरियां नहीं दी जा रही हैं, और सरकारी नौकरियां इसलिए नहीं दी जा रही हैं क्योंकि उन्हें आरक्षण देना पड़ेगा। जिस प्रदेश से मैं आता हूं, जिस प्रदेश से मैं आता हूं, वहां सबसे बड़े पैमाने पे नौजवान बेरोजगार है। और पिछले 10 साल में जो क्वेश्चन, जो पेपर उन्होंने लीक कराए हैं, वो इसीलिए कराए हैं क्योंकि नौकरी ना देनी पड़े, और अगर नौकरी देनी पड़ेगी तो उन्हें आरक्षण भी देना पड़ेगा। ये जानबूझ करके सरकार नौकरी और आरक्षण के साथ खिलवाड़ कर रही है। मैं अध्यक्ष महोदय अंत में इतना ही कहना चाहता हूं, आशा है ये सरकार तब तक चलेगी, तब तक उसके केंद्र में इस देश का हर एक गरीब, शोषित, वंचित, पीड़ित, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी, महिला, युवा, छोटा कारोबारी, ईमानदार, नौकरी पेशा, आम आदमी और कर्मचारी, अधिकारी, मजदूर और किसान होगा, ना कि धनवान होगा। और शासन के आधार पर संविधान होगा, वह जुमलों की जगह सच में महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, गरीबी, भुखमरी, सांप्रदायिक हिंसा, दलित व महिला उत्पीड़न, सामाजिक अन्याय जैसे मूलभूत मुद्दों का समाधान होगा, और भोजन, बिजली, पानी, दवाई, पढ़ाई जैसी बुनियादी जरूरतों के लिए कागजी योजनाओं की जगह सच में इंतजाम होगा। मैं एक बार फिर उत्तर प्रदेश की समझदार जनता द्वारा सबसे बड़ी पार्टी चुने जाने के साथ साथ इंडिया गठबंधन, समाजवादी पार्टी या कांग्रेस को सबसे ज़्यादा सीटें जिताई, उसके लिए मैं उत्तर प्रदेश की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार भी प्रकट करूँगा। मुझे उम्मीद है कि अगली बार जब राष्ट्रपति जी का अभिभाषण हो, वो सरकारी भाषण ना हो, सच्चाई के साथ सरकार अपनी बातें रखें। इन्हीं